नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल तिवारी और आपका अपना चैनल डायमंड ड्रिल, जिस पर कि मैं डेली टॉपिक कोई ना कोई डालता रहता हूँ। लेकिन आज मैंने इस पर ट्राई किया है जो कि फैक्चुअल बेसिस क्वेश्चन है, जो कि करंट अफेयर से भी रिलेटेड है और फैक्चुअल बेसिस क्वेश्चन है। छोटे ग्रुप के लिए जैसे SSC और प्लस डी ग्रुप या इन सब से रिलेटेड है। तो ये वीडियो देखने के बाद फैक्चुअल नॉलेज है, यानी कब फैक्चुअल करंट अफेयर है। तो अभी तक कॉन्सेप्चुअल बता रहे थे, लेकिन ये फैक्चुअल, तो इस पर मैं जो है आप लोगों का सजेशन कैसा रहेगा, इस पर आज हम वीडियो बना रहे हैं। और जो सबसे अच्छा हो उस पर लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो आइए बिना किसी देरी के आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन हमने लिया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि हाल ही जो है प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार किसने जीता। कौन सा प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार, फर्स्ट क्वेश्चन है ये। जैसा कि ये क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार किसने जीता, तो किसने जीता है? थलप्पिल प्रदीप ने क्या जीता है, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता। तो फिर से एक बार बताओ कि प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार किसने जीता। जैसा कि MCQ के फॉर्म में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में लोग दिए रहते हैं। कल से मैं सोच रहा हूँ कि आधा जो है चार चार का ऑप्शन दिया करूँगा और उसमें एक आपको बताना रहेगा कि प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार किसने जीता, तो वो थलप्पिल प्रदीप ने जीता। अब जैसे कि बहुत सारा पुरस्कार अभी हाल ही में मोदी जी को मिला है, तो वो उससे भी रिलेटेड आप या बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर किसे मिला, इस प्रकार का पुरस्कार आप क्या कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं। तो अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 190 संशोधनों के साथ भ्रष्टाचार बिल या विधेयक कौन सा देश लेकर आया, तो वो है श्रीलंका। जैसा कि आप जानते हो कि श्रीलंका एक क्या है, एक फेल कंट्री हो गया। उसमें जो है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट इन सब के लोगों को क्या कर दिया गया था, जो है लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर उनके घर में और वहाँ जाकर जैसे कि आपने देखा था कि कैसे मारपीट किया था और सारी चीज़ें कैसी घटनाएं, तो वो एक फेल कंट्री के रूप में, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने अपने घर को काफ़ी भरा था, तो इसलिए एक करप्ट कंट्री और उसके पास फॉरेक्स रिजर्व भी नहीं बचा था और फेल मार रहा था, क्योंकि जितने लोन ले रखे थे वो लोन चुकाने में असमर्थ था। तो वो IMF के पास गया था। अब IMF के पास वो शर्तें अपनी बताता है जो पास नहीं हो पाया था। तो 190 संशोधन किसने, एक साथ 190 संशोधन किसने किया, भ्रष्टाचार विधेयक किसने पारित किया, वो श्रीलंका ने किया। ठीक, जैसे अपने यहाँ भी इस समय मानसून सेशन चल रहा है तो बहुत सारा बिल पास होगा, तो उसी प्रकार को जो है 190 विधेयक, जो कि अपने श्रीलंका है कहाँ, श्रीलंका आप तमिलनाडु के नीचे जब जाते हो, जो कि पाक स्टेट है, पाक स्टेट क्या करता है, उसे अलग करता है श्रीलंका को जो है भारत से, है ना। और आपने श्रीलंका के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी है, तो श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री भी है। अब हाल ही में न्यूनतम आय की गारंटी के लिए किस राज्य सरकार ने बिल पास किया है, थर्ड क्वेश्चन। हाल ही में न्यूनतम आय की गारंटी के लिए, यानी कम से कम इतना सैलरी होना चाहिए, इससे नीचे सैलरी नहीं होनी चाहिए, वो राजस्थान सरकार ने बिल पास किया है। राजस्थान सरकार ने बिल पास किया है कि इतने से कम सैलरी किसी की नहीं हो सकती, ये बड़ा अच्छा। लेकिन इससे कहीं ना कहीं फिजिकल डेफिसिट में चले जाते हैं, जो कि आप UPSC में पढ़ते हैं, फिजिकल डेफिसिट या जो है छोटे क्लास उसमें भी आप कोई तैयारी करते हैं तो उसमें भी फिजिकल, तो आप न्यूनतम आय की गारंटी, उसके लिए कमाई का क्या साधन भी रखना पड़ेगा कि इससे कम सैलरी नहीं होगी। जैसे चाहे मजदूर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्री सेक्टर हो, कोई भी हो, तो उसमें 15,000 या 20,000 से नीचे किसी की सैलरी नहीं होगी। उसके लिए बिल किसने, राज्य सरकार ने, कौन से राज्य सरकार ने, राजस्थान, भारत का राजस्थान जो है स्टेट, उसने क्या
पास किया है कि इससे कम सैलरी नहीं हो सकती। हालांकि वो तो राजस्थान आए दिन कुछ ना कुछ करता रहता है, जैसे कि 25 लाख का एक बीमा दे रखा है कि कोई बीमार हो। तो आपने 1 मई 2021 से बीमा भी दे रखा है, क्या नाम है उस बीमे का, और जो है और भी राइट टू एजुकेशन भी दे रखा है, राइट टू हेल्थ भी उसने दिया है। तो ये सब यानी जो कि 21 आर्टिकल के तहत आता है, तो ये सारी चीज़ें दी रखी है। अब अगला तो राजस्थान अपने जो है अपने स्टेट के रहने वाले लोगों को काफ़ी सुविधाएं, हालांकि उसकी जनसंख्या भी 6-7 करोड़ है, तो जो है राइट टू हेल्थ पर अभी काफ़ी विवाद हुआ था। आज अगला क्वेश्चन आता है, फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69 संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो 69 फिल्म फेयर पुरस्कार कौन सा करेगा, गुजरात करेगा। कौन सा करेगा, गुजरात, जो अपना स्टेट है भारत का, वो फिल्म फेयर के पुरस्कार के 69 संस्करण की मेजबानी करेगा। अब अगला जो है पांचवा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड यानी आधारित लैंग्वेज मॉडल LLAMA लामा 2 किसने लॉन्च करने की घोषणा की है, किसने की है। तो वो मेटा और माइक्रोसॉफ्ट, मेटा आप जानते ही हैं फेसबुक, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड लैंग्वेज मॉडल LLAMA 2 को लॉन्च करने की घोषणा की है। एक तो आज आए दिन आप जानते ही हैं कि आज हमारा जो मोबाइल चलता है वो AI पर बेस्ड चलता है। आप कोई भी चीज़ ज़्यादा सर्च करते हैं तो वही वो बार बार आपको समझ करके और वो आपको भेजता रहता है उसी के बारे में कि आप उन पर ज़्यादा इंटरेस्टेड। आप एक बार गूगल क्रोम पर चले जाओ तो गूगल क्रोम पर जब आप जाते हैं तो अगर एक बार कोई भी चीज़ सर्च कर दो तो उसके बारे में वो आपका गूगल बार बार क्या है। एक और भी बार्ड लॉन्च हुआ था, ChatGPT लॉन्च हुआ था, तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पता होगा। तो ये मॉडल लैंग्वेज मॉडल किसने लॉन्च किया है, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। किसने किया है, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। दुनिया का सबसे बड़ा एक कार्यालय भवन कहाँ बनेगा, बना। तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय जहाँ सभी लोग इकट्ठा होकर कार्य का काम कर सकते हैं, वो सबसे बड़ा भवन, सबसे बड़ी बिल्डिंग, एक इतनी बड़ी बिल्डिंग कि उसमें सबसे दुनिया का, पूरे संसार का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ होगा, भारत, गुजरात। गुजरात जानते ही हैं कि भारत का सबसे बेस्ट शहर है, भारत का सबसे बेस्ट स्टेट है, यानी सबसे पश्चिमी राज्य है। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है तो वो आपका गुजरात है। इसीलिए सूरज वहाँ सबसे देर में उगता है और सबसे देर में डूबता है। अब राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 किसने जारी किया, ये UPSC के इतिहास से भी काफ़ी वो है, लेकिन ये क्या है, वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर, एक लाइन में। तो ये जो है अब इसके बारे में UPSC वाले भी पढ़ सकते हैं कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तो ये इसको किसने जारी किया 2023 के लिए, नीति आयोग, जो कि आप जानते हैं कि नीति आयोग 2015 में 1 जनवरी को बना था। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे और इसके बारे में कमेंट ज़रूर करना, और हमारे चैनल पर अगर आप विजिट करते हैं तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।